आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो की अध्यक्षता में सभी विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और कार्यकारी अध्यक्ष की बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को आयोजित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। 7 सांगठनिक विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को राज्य के लोगों से लड़ना पसंद है, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करना पसंद नहीं है और अपने कमिटमेंट को पूरा करना पसंद नहीं है। इसलिए अब हमारी पार्टी 14 तारीख की तैयारी कर चुकी है, जहां सरकार के खिलाफ फिर से एक आंदोलन खड़ा करेंगे। आज राज्य के सभी अलग अलग जिले के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी के संयुक्त बैठक और साथ ही साथ अखिल झारखंड छात्र संघ की नई जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से नए पद को, पार्टी के नई इकाई को और खासकर नए नौजवान साथियों को, जो पहले पार्टी ने संगठन के संदर्भ में अपने सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीमित कर रखा था, उसको अब जिला और ब्लॉक कमेटी के लिए भी ऑथराइज कर दिया है और पहली बार उनका जिला कमेटी भी बना और जिला पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था। भविष्य में आने वाले समय इस राज्य के यूथ के कार्यक्रम को चलाना, छात्रों के कार्यक्रम को लेकर नेतृत्व करना, ये सारे कार्यक्रम आने वाला समय में तय होगा और 2 दिवसीय पूरे स्टेट के यूथ का और छात्रों का एक सम्मेलन आहूत किया जाएगा। पार्टी के घोषित कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती 14 तारीख को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन का निर्णय पार्टी ने लिया है। इसी संदर्भ में सभी इकाई अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने थानाओं में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। सभी राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं और राज्य के सरकार के कमिटमेंट के ऊपर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, साधना कोड, यहाँ के राज्य के संसाधनों का दोहन के संदर्भ के साथ साथ और कई इश्यूज हैं जिसको लेकर एक कॉमन एजेंडा के साथ हम लोग ने राज्य सरकार के खिलाफ में अपना कार्यक्रम 7 तारीख को निर्धारित किया था। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश भर में जिस रूप से उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, उस कार्यक्रम में भागीदारी को रोकने के लिए सरकार ने जितने बेहतर उपाय कर सकते थे सरकार ने उपाय किए। सरकार इतना मेहनत और जुगत अगर इन चीज़ों को पूरा करने में करती तो झारखंड का भला हो सकता था, लेकिन झारखंड के लोगों से लड़ना इनको पसंद है, इनको समाधान करना पसंद नहीं, इनको अपने कमिटमेंट को पूरा करना पसंद नहीं। उसी संदर्भ में हम लोग ने 7 तारीख की तैयारी, 7 तारीख के बाद अब 14 तारीख की तैयारी में पूरी पार्टी तैयार करेगी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया है और निर्णय के बाद सीधे जेल भरो आंदोलन के लिए सभी लोग अपने अपने थाना में जाके गिरफ्तारी देंगे। अगर मैंने कहा तो कई ऊपर ओबीसी एक बड़ा एजेंडा राज्य में, देखो आज के दिन में ये इतने वर्ष बीत गए लेकिन ओबीसी का जो पहला निर्धारण था, जो निर्धारण का एक प्रयास किया गया था पिछली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन कोर्ट में उसको उस समय की स्थिति अनुसार आगे नहीं बढ़ा, गवर्नमेंट ने चैलेंज भी आगे नहीं किया। लेकिन यहाँ के राज्य की आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना, यहाँ के पंचायत चुनाव में आरक्षण देना, नौकरियों में आरक्षण देना, इन सारे संदर्भ में देखेंगे कि एक राज्य का एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इन आरक्षण के कारण अपेक्षित हो रहा है। इसी कारण हम लोग ने पंचायत को लेकर, आपने देखा हाउस के अंदर भी हम लोगों ने बात की और आग्रह किया कि एक एक्सटेंशन अगर इस पंचायत को 2-3 एक्सटेंशन प्राप्त है और एक एक्सटेंशन अगर दे देते तो बहुत बड़ा वित्तीय कोई भार राज्य सरकार के पास नहीं होता। अगर अच्छी पहल होती तो राज्य सरकार बहाना बनाकर पंचायत से उनके अधिकार, पूर्व में हम लोगों ने उसका आरक्षण तय किया था, वो आरक्षण को समाप्त करते हुए जनरल इलेक्शन कराने की तैयारी में राज्य सरकार आगे बढ़ी और सरकार का यही जवाब है। तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपना, मैंने पंचायत चुनाव बिहार के बाद पहली बार इस प्रदेश में हुआ, पहली बार महिलाओं, आदि महिलाओं का रिजर्वेशन हुआ, पहली बार नया 500 की आबादी में लीडर चुन के आया। ये एक होता है कि एक छोटा लीडरशिप ग्रोथ करता है, यही लीडरशिप बाद में बड़ा होता है। कहाँ से लीडर आते हैं, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से नेतृत्व सामने आता है, उसी तरह छोटी चुनाव से भी नेतृत्व उभरता है।
अगर उसमें उनकी मापदंड के आधार पर इस वर्गों को आप अगर दूर रखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक निराशा पैदा होगा और एक अच्छा वर्ग जो आने वाले 5 साल तक के लिए इनको रोकने की थे पंचायत में 5 साल तक के लिए ये वर्ग रुक जाएगा। यही आग्रह मैंने मुख्यमंत्री। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।